मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे। नमाजे पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ, लेकिन हुक्म तेरा या रब मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है। मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे। मन काम रमजान, रमजान के अंदर जो खियाम करता है, खड़ना, खियाम को बोलते हैं खौम, खौमा बोलते खड़ना। खड़ना का मतलब क्या है? उनके खड़े होना नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाना, इसको बोलते हैं मन खाम रमजाना। रमजान में उठ के खड़े हो जाना का मतलब हम अल्लाह की इबादत के लिए उठ के खड़े हो जाना। ईमान व एहतसाब, क्या मतलब है इसका? दिन का रोजा रखना, रात को ठहर कर तरावी या तहज्जुद को पढ़ना, रात को ठहर कर तरावी और तहज्जुद को अदा करना। कितनी बड़ी बात है देखो, क्योंकि ये रमजान खाने पीने के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं की, बल्कि रमजान मगफिरत का जरिया बनाकर अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह अकबर। रमजान हमारे जिंदगी में, जिसके जिंदगी में आता उसको गनीमत समझना। मेरे जिंदगी में रमजान आ रहा है तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है बोला कि तूने मुझे इस रमजान में जिंदा रखा। हालांकि मेरे साथ कई ऐसे साथियां गया रमजान में थे, वो जिस तरह रमजान में मेरे कई सारे साथियां थे जो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। अय अल्लाह तेरी जात की तारीफ है और मैं तमाम हमद सना के साथ तेरी तारीफ करता हूँ क्योंकि तूने मुझे इस रमजान में जिंदा रखा। ये गनीमत जानना मेरे भाई, क्योंकि हमसे पहले जितने भी जो गुज़श्ता रमजान में मिलके रोजा रखा करते थे, मिलके सहरी करते थे, मिलके इफ्तार करते थे, बहुत सारे लोग आज हम में से नहीं है। ये क्या है मेरे भाइयों? ये रमजान हमारे लिए अल्लाह बोनस बम्पर ऑफर देता है। जब किसी दुकान पे बम्पर ऑफर 30-70% डिस्काउंट बोले तो फोना कर करके पूरे खानदान वालों को लाइन लगाते कि फलाना दुकान में इतने डिस्काउंट के ऊपर कपड़े मिलते हैं, इतने डिस्काउंट के ऊपर साड़ियां मिलते हैं। मेरे माँ बहनों, मेरे भाइयों, ये रमजान पूरी जिंदगी का मगफिरत के लिए आने वाला है। इस रमजान को हम किस तरह से इस्तकबाल करेंगे? कोई नया नरेला जमाई घर को आता है तो घर के सास ससुरे के नींद हराम हो जाती, हमेशा घर को सजा कर रखने की कोशिश करती और जमाई के अंदर कोई कमी महसूस ना हो इतनी तैयारी करती उसको, ताकि वो कभी भी किसी चीज के ऊपर नाम नुक्ता चीनी ना करे। इतना इज्जत रमजान जो हम सबके ऊपर रहमत बन के आने वाला है, जो हमें अल्लाह मौका इनायत करता है कि अरे मेरे बंदे जा तेरी मगफिरत करवा ले, जा बोल के मगफिरत करवा ले। अल्लाह मौका देता है, ऑफर देता है, 100% ऑफर देता है। तो आज हम मुसलमानों को जर्रा बराबर भी इसकी इज्जत नहीं मेरे भाई। कई सारे ऐसे रमजान हमारे जिंदगियों से गुजर के रहते, अफसोस अल्लाह अकबर, हमने कभी भी उसकी मगफिरत करने की, उसके अंदर हम दुआएं करने की कोशिश नहीं की। रमजान को हमारा सेविया पकाने में, सहरी खाने में, इफ्तारी के अंदर गुजरा, अफसोस के हमारी मगफिरत हमसे नहीं हो पाई। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हमारे नबी के सहाबा पर जब रमजान आता तो गिड़गिड़ाते, रातों के अंदर अल्लाह के लिए क़याम करते, सुजूद के अंदर गिरे रहते ताकि वो उनकी मगफिरत की दुआ कर सके। गोया के अल्लाह ने तमाम सहाबा से ये वादा किया था, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इन तमाम लोगों से राजी है और ये लोग भी अल्लाह से राजी है बोल के उन लोगों को रज़ियल्लाहु तआला कह के पुकारता है। ऐसे सहाबा तड़पते थे मेरे भाई, जिन लोगों को अशरे मुबशरा में अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगफिरत हो गई आप लोगों की, आप लोग जन्नत में है बोल के जिनको जन्नत की बशारा सुना दी, उनके अंदर रमजान आता तो तड़प और खौल उठते। जिनको जन्नत की बशारत हो गई
وہ لوگ رمضان میں تڑپتے تڑپتے گڑ گڑا کر دعا کرتے. افسوس کہ ہمیں کوئی بشارت ہی نہیں ہے, لیکن رمضان ہمارے سامنے ایک عام مہینے کے مانند گزر جاتا ہے میرے بھائی. ایسی رمضان کو گزارنا چاہیں گے ہم؟ نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں میرے بھائی. میں بھی تو مسلمان ہوں, چھوٹا سا ہوں لیکن میں بھی تو مسلمان ہوں, چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یا رب میرے.